और जो अगला सवाल है दोस्तों वो है मनोज भाई जी का। भाई जी का कमेंट है, बल भाई आगे अपनी लाइफ में क्या सोचा है, जॉब करोगे या ब्लॉगिंग ही करोगे? तो आगे स्टार्ट किया तो सब चीज़ ठीक चल रहा था, बीच में ना दोस्तों मेरे साथ मतलब वो सीन हुआ जो सीन शायद ही किसी यूट्यूबर के साथ होता होगा कि जहाँ पे आपका मोरल पूरा डाउन हो जाएगा। अब वो सवाल दोस्तों जो सबसे भारी डिमांड पे है कि आपकी यूट्यूब इनकम पर मंथली कितनी है, और काफी वो पूछ रहे हैं बल आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है। मैं तो बस इतना ही पूछना चाहती हूँ। तो जो अब अगला सवाल है ना दोस्तों वो काफी खतरनाक सवाल है, और वो सवाल दोस्तों राकेश भाई का है, और बहुत खतरनाक सवाल पूछ रखा है, मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। और भाई दोस्तों सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि आपकी जीव कौन है, भाभी कौन है, भाभी का नाम बताओ। तो ये वाला सवाल ना दोस्तों सब दूसरा सवाल है कि क्या आपके पास कभी ऐसा क्षण आया जिसमें आपको चिंता महसूस हुई और आपको डर लगा? आपने अपनी बहन शीतल का नाम जादू क्यों रखा, और उसके मुंह से सुनने में डिफरेंट वाइब देता है, मार्वल्स वाइब। तो और दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन है वो है भाई जी का, व्हाट आर द लर्निंग लेसन टू यू ड्यूरिंग योर 10K जर्नी, क्या क्या सीखा? तो चलो भाई दोस्तों ये वाली वीडियो आप सभी के डिमांड पे बन रही है, जिस चीज का ना आप सभी को ढेर सारे टाइम से इंतजार था, फाइनली वो वीडियो आज आपके लिए आने वाली है, यानी Q&A बनने वाला है। तो चलिए पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में, दिल्ली के इस खूबसूरत शहर से और इस प्यारे से नगर आई नगर से। भाई दोस्तों जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल क्या है ना वो है दोस्तों कि आपकी जीएफ कौन है, भाभी कौन है, भाभी का नाम बताओ। और तो दूसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ना कि आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है, कितनी आई, और काफी सारे सवाल आपके और भी हैं, तो हैं, और इन सभी सवालों के आज आपको जवाब मिलने वाला है। और ढेर सारे सवाल हैं, शीतल के बारे में भी है और फैमिली के बारे में भी हैं, तो बहुत सारे सवाल हैं, तो सबके जवाब आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना। तो जो सबसे पहले पूछे जाने वाला सवाल है ना तो वो है दोस्तों हमारे नितिन भाई का। नितिन भाई पूछ रहे हैं कि राहुल भाई आपने एक वीडियो में पहले कहा था कि आपकी फैमिली में 6 मेंबर हैं, तो छठा मेंबर कौन सा है? तो मेरी फैमिली का जो छठा वह मेंबर है दोस्तों वो हमारे चाचा जी हैं, जो कि वीडियो में बिल्कुल नहीं आते, यहाँ वाले चाचा जी नहीं, घर पे रहते हैं मेरे एक चाचा जी, वो वीडियो में नहीं आते, वो बिल्कुल भी कैमरा फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए वो कैमरे में नहीं आते, और छठवा मेंबर मेरे चाचा ही है। और जो दूसरा सवाल है ना दोस्तों उनके ना कमेंट मेरे वीडियो में हमेशा से रहते हैं, मतलब डेली मेरे लिए कमेंट आते हैं भाजी के, और भाजी का नाम तो पता नहीं है, DS करके नाम है और पीछे से है 94290। तो उनका क्वेश्चन है बुलावल डेयरी खाल कब आओगे, वहाँ का ब्लॉग कब बनाओगे? तो जल्दी ही भाई जी वहाँ आएंगे और जल्दी आपके लिए वहाँ का ब्लॉग भी जरूर बनाएंगे, जैसे हमारा कोई भी काम पड़ेगा ना तो वैसे ही आएंगे, या घूमने का प्लान वगैरह बनेगा तो जरूर से वहाँ आएंगे और मस्त वीडियो जरूर से बनाएंगे। और जो तीसरा सवाल है ना दोस्तों वो है मयंक नेगी का, और मयंक नेगी भाई पूछ रहे हैं बस सौरभ भाई किस चीज में जॉब करता है? तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको सौरभ भाई देंगे, तो सौरभ भाई जी बताइए। इस सवाल का जवाब आपको जल्दी मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में, जल्दी बिल्कुल। और जो अगला सवाल है दोस्तों वो है अमर सिंह जी का, और उन्होंने कहा है कि राहुल जी अपने गांव का बल पूरा पता बताओ, और दिल्ली से वहां कैसे आया जाए, मतलब हमारे गांव कैसे आना हो सकता है? तो मेरे गांव का पता है दोस्तों, मेरा गांव है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल के बीरोखाल ब्लॉक में, और हमारे यहां आने के लिए दिल्ली से आप कोटद्वार की बस पकड़ सकते हो या रामनगर की बस पकड़ सकते हो, और उसके बाद वहां से आपको बीदीखाल बीरोखाल बैजरू कहीं की भी गाड़ी मिल सकती है, और वहां से आप हमारे गाँव के बारे में किसी से पूछ सकते हो बीदीखाल से, और हमारे गाँव तक बढ़िया से पहुँच सकते हो। और अगला जो सवाल है दोस्तों वो सवाल नहीं है, बस नाम लेने के लिए बोल रखा है, और वो कह रखा है पहाड़ी गोपाल नेगी ने। तो पहाड़ी गोपाल नेगी भाई जी का, तो पहाड़ी गोपाल नेगी भाई का कमेंट है कि नाम पक्का लेना राहुल भाई, तो पक्का आपका नाम लेंगे भाई जी पहाड़ी गोपाल नेगी। तो अगला जो कमेंट है दोस्तों वो है संदीप भाई जी का, संदीप संदीप करके उनका नाम है। तो उन्होंने कहा है दोस्तों भाई जी नमस्कार, कभी हमारे साइड भी आया करो बिनसर महादेव के साइड चौथान में। तो जरूर भाई जी जरूर से आएंगे, और जल्दी वहां का प्लान भी हमारा बन रहा है, जैसे मैं यहां से घर जाऊंगा ना, और 23 तारीख को पीठ साइड में आपको बताया एक बड़ा सा मेला लगता है जो कि वीरचंद्र गढ़वाली के उस सब पे ही होता है, तो वहां जाने का हमारा प्लान अभी बन रहा है, तो देखते अगर प्लान बनेगा तो जरूर से वहां आएंगे। बाकी बिनसर में दोस्तों एक बार आ चुका हूं और वहां का ब्लॉग मैंने बना रखा है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हो। और जरूर भाई जी आएंगे, अगर आपसे मिलना हुआ तो आपसे जरूर से भी मिलेंगे भी। तो जो अगला सवाल है दोस्तों वो है IM कंडारी का, और इनके कमेंट तो दोस्तों हमारे वीडियो में ना लगातार पढ़ते ही रहते हैं, मतलब ऐसा ही प्यार और सपोर्ट तो चाहिए, ज्यादा इनके कमेंट ही रहते हैं, तो ऐसा ही प्यार और सपोर्ट तो चाहिए, बाकी और क्या चाहिए। तो उनका कमेंट पढ़ लेते हैं और उनके कमेंट का जवाब देते हैं। तो उनका कमेंट है कि आपकी क्यूटनेस का राज क्या है? हा हा हा, तो मेरी क्यूटनेस का कोई राज नहीं है,
और अगर ऐसे ही राज जानना है तो राज ये है कि सुबह एक बार मुंह धोना है बस, उसके बाद कुछ नहीं करना है और कहीं भी ऐसे ही चल देना है। तो क्यूटनेस ऐसा कुछ है नहीं, तो यही राज है बस। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो अगला सवाल है दोस्तों वो है SS Blog 5590 का, और इनका सवाल है कि आप और जादू दिल्ली करने क्या गए हो। तो हम दिल्ली कुछ नहीं करने गए हैं, मैं शीतल को ही छोड़ने आया था और कुछ ही दिन में मैं आप गांव की तरफ भी निकल जाऊंगा। शीतल आएगी दोस्तों अब बाद में, और शीतल देखते हैं फिर क्या उसका क्या प्लान बनता है, यहीं से आगे की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेगी या क्या प्लान बनता है वो तो अभी उसको ही पता होगा, और आगे देख लेंगे क्या बनता है। बाकी मैं तो निकल जाऊंगा कुछ ही दिन में घर की तरफ। और जो अगला क्वेश्चन है ना दोस्तों वो पूछा है अमित भाई जी ने, और क्या मस्त क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। मतलब ये क्वेश्चन ना दोस्तों अपने पर्सनली फेवरेट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। तो सवाल पूछा है केवल ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का रीजन क्या है और कहां से आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का आइडिया मिला। तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का रीजन दोस्तों ये था कि मेरे को ना काफी सारे लोग बोलते थे कि ब्लॉग स्टार्ट करो ब्लॉग स्टार्ट करो, बट मैं फिर भी नहीं करता था क्योंकि उस टाइम में ना अपना सपना था कि हमें फौज में भर्ती होना है, फौज में भर्ती होना है, तो ये सपना था। बट हो नहीं पाए, किस्मत नहीं थी अपनी, हम शायद उस वर्दी के लायक नहीं थे। तो वही है ना दोस्तों, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है हमेशा। और ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का रीज़न तो दोस्तों शीतल है, तो शीतल ने ही दोस्तों मेरे को कहा था, यानी अपनी जादू ने, मैंने उसी के चक्कर में दोस्तों ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। इस वाले फ़ोन से दोस्तों मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, और शीतल इस फ़ोन को नया लेके आई थी और उसने सीधा मेरे को दिया, बोल भाई तो ये वाला फ़ोन पकड़ और इससे ब्लॉग बना, अपना पुराना फ़ोन मुझे दे। तो पूरा क्रेडिट शीतल को जाता है। शीतल ही वो दोस्तों इंसान है जिसने मेरे को ब्लॉगिंग करने के लिए बोला, और उसी के चक्कर में आज मैं ब्लॉग बनाता हूँ। और दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन है वो है भाई जी का, व्हाट आर द लर्निंग लेसन टू यू ड्यूरिंग योर 10K जर्नी, क्या क्या सीखा। तो ये क्वेश्चन सबसे तगड़ा था और मस्त था कि आपने अभी तक अपने इस 10K की जर्नी में क्या क्या सीखा। इस 10K की जर्नी में दोस्तों मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। एक टाइम वो था दोस्तों जिस टाइम बिना मतलब मेरे ठीक ठाक, मतलब मैंने स्टार्ट किया तो सब चीज़ ठीक चल रहा था, बीच में ना दोस्तों मेरे साथ मतलब वो सीन हुआ जो सीन शायद ही किसी यूट्यूबर के साथ होता होगा कि जहाँ पे आपका मोरल पूरा डाउन हो जाएगा, यानी आपका यानी आप इतने डिमोटिवेट हो जाओगे कि क्या ही बोले, इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। बट आपके पास अगर कुछ सपोर्टर होंगे ना या कुछ सपोर्ट करने वाले बंदे होंगे तो आप कहीं भी निकल जाओगे। और मेरे को भी ना काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर बंदे थे, मेरे पीछे खड़े हो रखे थे, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, और जो मेरा बुरा पीरियड था ना उसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो वो काफ़ी सारे बंदे थे। अगला जो सवाल है ना दोस्तों वो है वायरल शॉर्ट्स के तरफ। इनका सवाल है दोस्तों कि जादू आपकी सगी बहन है क्या, और जादू क्या करती है। लव फ्रॉम थैलीसैंड। जी हाँ, शीतल मेरी सगी ही बहन है और वो अभी कुछ भी नहीं कर रही है, मतलब अभी उसने ना 12 के पेपर दे रखे हैं, तो कुछ ही टाइम में उसका रिजल्ट वगैरह आएगा, तो उसके बाद देखेगी आगे क्या प्लान बनता है। तो जो अगला सवाल है ना दोस्तों वो है रितीश रावत का, और उन्होंने पूछा है अपने अपनी बहन शीतल का नाम जादू क्यों रखा, और उसके मुंह से सुनने में डिफरेंट वाइब देता है, मार्वल्स वाइब। इसका जवाब है कि शीतल का नाम मैंने जादू इसलिए रखा कि उसके पास एक हुडी है जो कि हमारे एक दीदी की है, और उसने भी दोस्तों उसको कम से कम ना 10-15 साल चलाया, और शीतल भी उसको इतने टाइम से चला रहे ना कि क्या ही बताऊं, और उसको जब वो पहनती है ना तो बिल्कुल ना जादू वाली वाइब आती है, तो इसीलिए मैंने उसका नाम जादू रख दिया था। और जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है नीलम नेगी रावत जी का, और वो पूछती हैं कि आप अपनी वीडियो एडिटिंग किस ऐप से करते हो बेटा जी। तो जी मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करता हूँ काइंड मास्टर ऐप से, और थंबनेल वगैरह बनाता हूँ पिक्सआर्ट, और एक और ऐप है स्नैपसीड करके, इन्हीं ऐप से मेरी वीडियो की एडिटिंग होती है और थंबनेल की एडिटिंग होती है। थंबनेल बनते हैं पिक्सआर्ट वगैरह से और वीडियो एडिटिंग होती है काइंड मास्टर से। बाकी अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल है दोस्तों रणजीत भैजी का, और रणजीत भैजी दोस्तों हमारे वीडियो में लगातार बने रहते हैं और भाई जी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और चार सवाल उन्होंने पूछे हैं जो कि बहुत मस्त मस्त सवाल हैं, यानी काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हैं, तो एक एक करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले भाई ने हमें बधाइयाँ दी है 10K की, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपने हमें 10K की बधाइयाँ दी। और उनका पहला सवाल है कि आपने अपनी YouTube वीडियो बनाने की प्रेरणा किससे ली। तो मतलब मेरा दोस्तों ब्लॉगिंग में कोई भी आइडिया वगैरह नहीं था, बट जब मेरे को लोगों ने कहा, और लोगों ने कहा उसमें मैं इतना वो नहीं था, मेरे को पता भी नहीं था ब्लॉग क्या चीज़ होती है, तो मेरे को शीतल ने बोला कि ब्लॉग बना। फिर मैंने ब्लॉग देखे और बड़े बड़े ब्लॉगर, 2-4 ब्लॉगर थे उनके मैंने देखे, अनु सेमवाल भाई जी थे जो अब वीडियो भी नहीं बनाते, फिर नमस्ते पहाड़ वगैरह थे, तो उनकी मैंने वीडियोस देखी थी, उनके बाद से ही मैंने सोचा कि चलिए करते हैं इस काम को भी, और सीरियस बिल्कुल भी नहीं था इस काम में, शुरू में ऐसे टाइम पास के लिए वीडियो बनाता था। और दूसरा सवाल है कि क्या आपके पास कभी ऐसा क्षण आया जिसमें आपको चिंता महसूस हुई और आपको डर लगा। तो ज़रूर ऐसा समय मेरे पास आया जब मेरे को चिंता भी महसूस हुई और डर भी बहुत ज़्यादा लगा। उस टाइम मेरे कम से कम 25 से 2600 सब्सक्राइबर थे, उस टाइम पे मेरा सब चीज़ सही चल रहा था, और उसी टाइम पे ना मेरा चैनल बिल्कुल डेड हो गया था, तो उस टाइम पे
मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता भी सताई थी और बहुत ज़्यादा डर भी लगा था। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि आप अपने किसी सहपाठी मित्र के साथ हुई बातचीत के बारे में बताएं जो आपको पसंद आई हो। तो ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं जो कि हम दोस्त लोगों के बीच होती रहती हैं। तो सौरभ भाई और राकेश भाई और एक दो दोस्त और हैं जिनके साथ ना काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ों में बात होती रहती है, करियर के बारे में बात होती है और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात होती है, तो वो सबसे ज़्यादा पसंद आती है कोई पक्के मित्रों के साथ रहे। और चौथा क्वेश्चन है कि आपके 10K फैमिली कंप्लीट होने में क्या क्या चुनौतियाँ आई। तो बहुत सारी चुनौतियाँ आई भाई जी, जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा था ना कि जिस टाइम पे चैनल डेड हुआ था तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट हो गया था। उस टाइम पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ भी डाली थी, मेरे चैनल के साथ ऐसे ऐसे हो गया है, आप सब लोग ही कुछ कर सकते हो, तो वहाँ पे आप सब लोगों ने सपोर्ट किया था, उसके लिए भाई जी आपका भी धन्यवाद और जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही वाला पीरियड जो था ना वो सबसे मुश्किल पीरियड था मेरे लिए, और 10K की इस जर्नी में सबसे पेनफुल मोमेंट और हार्डफुल मोमेंट सब कुछ यही था। और जो अगला सवाल है दोस्तों वो है मनोज भाई जी का, यानी मनोज नेगी जी का, और भाई भी हमारे वीडियो देखते रहते हैं और कमेंट करते रहते हैं। तो भाई जी का कमेंट है, बल भाई आगे अपनी लाइफ में क्या सोचा है, जॉब करोगे या ब्लॉगिंग ही करोगे? तो आगे अभी लाइफ में देखते हैं क्या हो पाता है, बाकी अभी तो फुल टाइम ब्लॉग को ही दे रहा हूँ और देखते हैं फिर आगे क्या हो पाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ों का किसी भी चीज़ों का लाइफ में भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, तो देखते हैं आगे क्या हो पाता है। और अगला क्वेश्चन है तनु रावत का, तो उन्होंने कहा है ब्लॉगिंग कौन से फ़ोन से करते हो? तो इस सवाल का जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया था, ब्लॉगिंग करता हूँ मैं S21 FE से, यानी सैमसंग के फ़ोन से। और अगला सवाल है फिर से IM कंडारी का, और उन्होंने पूछा है कि आर्व को कितना परसेंट मिस करते हो? तो आर्व को बहुत ज़्यादा परसेंट मिस करता हूँ, यानी 100% ही मिस करता हूँ, क्योंकि आर्व तो अपने ब्लॉग का आन बान शान जान सब कुछ था, और साथ ही में आर्व के साथ मस्ती वगैरह होती थी वो कुछ अलग ही लेवल की होती थी। अगला सवाल है धन सिंह भाई जी का, और धन सिंह भाई जी जो है ना दोस्तों वो सौरभ भाई के शायद कुछ ज़्यादा ही बड़े फैन हैं और सौरभ भाई को मिलना चाहते हैं। तो भाई जी बिल्कुल यार आपको सौरभ भाई से मिलाएंगे, जब भी आप मिलने आओगे तो जरूर से मिला देंगे। तो उनका ये सवाल भी यही है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना है सौरभ भाई से मिलने का, तो सौरभ भाई से कब मिलाओगे? तो सौरभ भाई से आपको जल्दी मिलाएंगे, आप आ जाओ तो आपसे जल्दी मिलाएंगे सौरभ भाई से भी। अगला सवाल है दोस्तों हमारे काफ़ी घनिष्ठ मित्र यानी भंडारी जी का, यानी चंदू भाई का, और काफ़ी बड़े ब्लॉगर हैं, तो उनका सवाल है, उनका सवाल भी क्या है मतलब वो पूछ रहे हैं बोल रहे हैं बल्कि आप अपनी मम्मी के हाथों के पराठे कब खिलाओगे? तो ज़रूर आपको बहुत जल्दी ताई जी के हाथों के पराठे खाने को मिलेंगे, आप हमारे घर पे आ जाओ। मैं भंडारी भाई जी बोल रहे हैं बल्कि ताई जी को मैंने कुछ राइड करते हुए देखा था, तो किस चीज़ में मतलब क्या चीज़ को कर रहे थे, समाज कल्याण कुछ ऐसे करके कह रहे थे। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो सिंपल सा है, मेरी माँ दोस्तों आशा कार्य करती है, तो आशा में जॉब करती है, तो इसलिए उस टाइम मेरी माँ वो चीज़ें राइड कर रही थी यानी लिख रही थी। और जो अगला सवाल है वो है इंजॉय का, और इंजॉय ने पूछा है बल आपको दिल्ली में कैसा लग रहा है, आई नगर का रहने वाला हूँ, मतलब आई नगर के हैं और दिल्ली में कैसा लग रहा है? तो दिल्ली में मेरे को ठीक ही लग रहा है, मेरा तो पहली बार नहीं है दिल्ली में, काफ़ी बार आ चुका हूँ और काफ़ी रह चुका हूँ, तो ठीक ही लग रहा है, बट अपने पहाड़ों की बात तो कुछ अलग ही रहती है। तो जो अब अगला सवाल है ना दोस्तों वो काफ़ी खतरनाक सवाल है, और वो सवाल दोस्तों राकेश भाई का है, और बहुत खतरनाक सवाल पूछ रखा है, मुझे धर्म संकट में डाल दिया है, बड़े खतरनाक तरीके से 5 सवाल एक साथ कमेंट कर रखे हैं और बड़े खतरनाक है, और उसके नीचे भी इतने सारे कमेंट पड़ रखे हैं कि राकेश भाई ये क्या पूछ लिया ऐसा ऐसा करके, खतरनाक 5 सवाल है। जो कि पहला सवाल है दोस्तों कि आपकी अभी तक बल कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, और दूसरा है बल अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताओ, तीसरा है बल अपनी एक्स का नाम बताओ, चौथा है बल अपने घर के चिढ़ाने वाला नाम बताओ, और पाँचवा है कि अपने दोस्त के लिए गर्लफ्रेंड कब ढूंढ रहे हो। तो पाँचवा सवाल बढ़िया है, तो इसका जवाब तेरे लिए राकेश भाई ये है कि जल्दी तेरे लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढने वाला हूँ, और बाकी जो 4 है ना ये धर्म संकट में डाल रहे हैं, तो इसका जवाब आने वाले कुछ वीडियो में बताएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और जो अगला सवाल है दोस्तों वो पूछा है द पहाड़ी गर्ल श्वेता ने, और वो पूछते हैं बल आपकी एज कितनी है, और शीतल दिल्ली क्यों आए, और सौरभ भाई कौन से जॉब करते हैं? तो मेरी एज है 23, और शीतल दिल्ली अभी ऐसी घूमने के लिए आ रखी है, और सौरभ भाई क्या जॉब करते हैं वो तो आपको सौरभ भाई बताएंगे। इस सवाल का जवाब आपको जल्दी मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में, जल्दी बिल्कुल। अगला सवाल है वो है दोस्तों अनीस नेगी जी का, और उनका सवाल वही है कि आपको ब्लॉग बनाने के लिए किसने बोला? तो ब्लॉग बनाने के मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मुझे ब्लॉग बनाने के लिए शीतल ने बोला और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। तो सवाल दोस्तों एक टाइप के है ना, उनमें मैं सबके नाम नहीं ले सकता, तो एक ही बारे में जो सेम सवाल है ना तो एक बंदे के रिप्लाई कर दूंगा, तो उसमें आप सबके सवाल भी आ जाएंगे, तो अगर मैं सबके देता रहूंगा एक ही सवाल के तो फिर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो आपके सवाल का जवाब आपको एक ही के सवाल से मिल जाएगा। और अगला सवाल है दोस्तों आशु भंडारी का, बल आपकी जीएफ कहाँ की है, और बल जादू इतनी क्यूट कैसे है? तो जादू इतनी क्यूट कैसे है वो तो मुझे नहीं पता, और जीएफ वाला सवाल तो भाई आपने इतना खतरनाक पूछ दिया कि क्या बताऊँ भाई, दुख भी हो रहा है और बताने में थोड़ा सा वो भी हो रहा है। तो जीएफ का अभी कुछ नहीं बोल सकता यार मैं, जीएफ तो
समझ जाओ आप। और अगला सवाल है पूनू रावत का, और पूनू रावत जी पूछ रहे हैं बल आपकी फीमेल बेस्टी कौन है। फीमेल बेस्टी मेरी कोई भी नहीं है, कोई भी मेरी ऐसी बेस्टी है ही नहीं। अगला सवाल है अपने दीपक भाई का, बल भाई 22 मार्च को तेरी गर्लफ्रेंड देखो कहाँ मिली, कौन सी जगह। भाई मुझे खुद नहीं पता ये 22 मार्च कब है और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कहाँ मिली, तो ये तो भाई मुझे नहीं पता, कसम से नहीं पता, ये तो मुझे है ही नहीं पता। अगला सवाल है ना दोस्तों वो है हमारे चंदू मामा जी का, और बहुत मस्त सवाल उन्होंने पूछा है कि बल सभी की ज़िंदगी में माता पिता का एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपकी बहन का क्या रोल है, यानी जादू की क्या अहमियत है। तो ये क्वेश्चन बड़ा गजब सा था। मेरे ज़िंदगी में भी मेरी माँ और मेरी बहन का ना बहुत बड़ा रोल है, मतलब होता है ना एक सबसे बड़े स्तंभ जो तुम्हें सपोर्ट करने वाले होते हैं, तो वही बहुत बड़ा रोल है, मतलब बहुत ही बड़ा रोल। सवाल है दोस्तों वो है शिवम भाई का, और शिवम भाई पूछ रहे हैं बोले कि यूट्यूब के अलावा कुछ करने का सोचा है या नहीं, तो इसका जवाब मैंने आपको पहले ही बता दिया। और दूसरा है कि बोले पाबू पैठानी के ब्लॉग कब बनाओगे या पाबू पैठानी कब आओगे, मतलब तो पाबू पैठानी भी जल्दी आएंगे, और जिस दिन मतलब घूमने का प्लान बनेगा जल्दी आएंगे और आएंगे तो ब्लॉग आपके लिए जरूर से बनेगा। और जो अगला सवाल है दोस्तों वो है परवीन दादा जी का, यानी हमारे गांव के और हमारे काफी बड़े सपोर्टर हैं, और सवाल भी दोस्तों कुछ उसी तरीके का है, अपने सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले का नाम बताओ और तुम्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है। तो मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वालों में से सबसे बड़ा नाम दोस्तों परवीन दादा जी का भी है, और वही मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं। बाकी मेरी फैमिली वाले हैं जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं, और हमारे प्रधान जी हैं, प्रधान जी भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ये कुछ है जो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और दादाजी आप तो हो ही, आप तो हमारे दिल के करीब हो। अब जो अगला सवाल पूछा गया है दोस्तों वो पूछा गया है नीलम रावत जी की तरफ से, और बहुत मस्त सवाल उन्होंने पूछा है। राहुल जी मैं पूछना चाहती हूँ कि आपकी फर्स्ट पेमेंट कितनी आई थी, और ताकि यूट्यूबर जो भी बने उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर पे आई थी, यानी आपके कितने सब्सक्राइबर थे इस टाइम आपकी यूट्यूब पेमेंट आई थी। तो मेरी जो यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट थी ना करीबन 15,000 लगभग, और कितने सब्सक्राइबर पे आई थी वो आई थी आई थिंक सो 4 या 5 हो रहे थे उस टाइम, 5 के करीबन मेरे सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे, और उसी टाइम मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आई थी। और वैसे तो जल्दी आ जानी थी बट बीच में मेरा चैनल डाउन हुआ था तो उसके चक्कर में पेमेंट रुक गई थी। और जो भी नए यूट्यूबर बन रहे हैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, मैं नहीं कर पाऊंगा, बस वहीं पे मेहनत कर देनी है। जितने भी नए यूट्यूबर हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां पे आपको लगे ना कि अब नहीं हो रहा है, अब मेरे से नहीं होगा, अब तो खत्म है मेरा करियर, तो वहीं पे बस मेहनत करनी है और वहीं से उठना है, और वहां से देखो फिर तुम क्या निकलोगे। और अब वो सवाल दोस्तों जो सबसे भारी डिमांड पे है कि आपकी यूट्यूब इनकम पर मंथली कितनी है, और काफी सारे क्वेश्चन थे तो एक का नाम तो नहीं ले सकता, तो सबके क्वेश्चन थे कि ये क्या है। बाकी YouTube की जो पेमेंट है ना दोस्तों वो किसी की भी फिक्स नहीं होती है, किसी भी यूट्यूबर की पेमेंट फिक्स नहीं होती है, कभी ज़्यादा आएगी तो कभी कम आएगी। बट आपको मैं बता देता हूँ कि जो मेरी YouTube की फर्स्ट पेमेंट थी वो 15 आई थी, और YouTube की पेमेंट दोस्तों कभी भी किसी की फिक्स नहीं है, मंथली आप ये मान के चलो। ये बात तो मेरी YouTube की इनकम है ना, यानी मंथली वो ज़्यादा तो नहीं है बट इतनी है कि चाय समोसा का खर्चा निकल जाता है, बाकी यही सब है, ज़्यादा नहीं है अभी, देखते हैं फिर आगे क्या क्या हो पाता है। भाई दोस्तों सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि आपकी जीएफ कौन है, भाभी कौन है, भाभी का नाम बताओ। तो ये वाला सवाल ना दोस्तों सबके बहुत ज्यादा, देखो इतने सारे कमेंट यही हैं, तो सबके एक ही बारे में जवाब दे देता हूँ जीएफ वाले सवाल का और भाभी वाले सवाल का। तो इस वाले सवाल का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है, तो आने वाले कुछ टाइम में बताएंगे बढ़िया करके, सीधा रिवील ही करेंगे सब कुछ। और जो अगला सवाल है दोस्तों वो है सौरभ भाई के लिए, और ये पूछा है सानवी नेगी ने, बस सौरभ भाई क्या करते हैं और उनकी जीएफ कौन है। तो और जो सौरभ भाई करते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी जीएफ के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ यार, ऐसे किसी की पर्सनल लाइफ नहीं बता सकता, सॉरी यार, वैसे बताने के लिए बता सकता हूँ बट फिर मैं मार खाऊंगा, क्या फ़ायदा यार। तो अगला सवाल है दोस्तों रतन रोथाण जी का, और उनका सवाल है कि आपके चाचा का अपना मकान है क्या, और क्या आप दोनों भाई बहनें जॉब करने आए हो। इसका जवाब तो मैंने आपको पहले ही दे दिया था कि हम दोनों तो ऐसे ही आ रहे हैं, मैं तो कुछ टाइम में निकल जाऊँगा, बाकी चाचा चाची का अपना मकान नहीं है, यहाँ किराए वगैरह में रहते हैं और जॉब वगैरह करता है। अगला सवाल है दोस्तों किरण भुटोला का, और अगर प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ पीछे से तो माफ़ करना, और उनका सवाल है कि आपकी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताना ज़रूर। तो यूट्यूब की जर्नी में के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, बाकी आपको किस किस ने सपोर्ट किया है वीडियो बनाने के लिए, तो मेरे को सभी ने सपोर्ट किया, मेरे घर वालों ने, और मतलब लगभग सब ने सपोर्ट किया, और जिन्होंने नहीं किया उनसे मेरे को कोई मतलब भी नहीं था, तो मतलब लगभग सब ने सपोर्ट किया। ये Q&A बनाते दोस्तों सुबह से रात हो गई है,
हालत खराब हो गई है गर्मी से भी, और ठीक देखो सनसेट भी होने वाला है, तो बड़ा प्यारा सा व्यू दिखाई दे रहा है। बाकी हम जट्ठे के घर में आ रखे हैं, तो बढ़िया से जट्ठे देखो अपने काम पे लग गए हैं, यानी सिलाई वाले काम पे, और आरसीबी ट्यूशन से आ गए इतने देर में। बाकी सारा Q&A हमने बना ही दिया है, सबके सवालों के जवाब हमने दे दिए हैं, और उम्मीद है कि आप सभी को बहुत प्यारी ये वीडियो लगी होगी। बाकी जिनके सवालों के जवाब छूट गए होंगे ना, वैसे तो किसी के भी नहीं छूटे होंगे, जितने थे सारे दे दिए हैं, और लगा हुआ था ढूंढने पे फिर देने पे, बट सबके ही दे दिए होंगे। मुश्किल ये होगा कि किसी का छूटा होगा, और उसी का छूटा होगा जिसका शो नहीं किया होगा, बट अगर छूट गया होगा तो उसके लिए दिल से सॉरी। आप वीडियो पे कमेंट करते रहो, अगली वीडियो में आपके सवाल का जवाब भी हम जरूर से देंगे। बाकी आपको ये Q&A ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर देना, और वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं आपको एक नए और मज़ेदार धमाकेदार अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।